रामापुर शाहबाद तहसील पहुंचकर भाकियू टिकैत ने एस डी एम प्रवीण कुमार वर्मा को राणा शुगर मिल सहित कई विभागों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। शाहबाद में राणा शुगर मिल द्वारा किसानों का गन्ना न खरीद कर दलालों का गन्ना खरीदा जा रहा है। किसानों को गेट पर्ची प्राप्त कराई जा रही है, साथ ही रोजमर्रा के जाम से जनता काफी परेशान होती है। ओवरलोड गन्ना वाहनों पर रोक लगाई जाए। तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी भूमि मुक्त कराई जाए। पशु चिकित्सालय में चल रही धांधली एवं कृषि विभाग द्वारा फसलों के नुकसान पर सोच विचार किया जाए, जिसको लेकर एस डी एम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में दारियाव सिंह यादव, सुभाष शर्मा, राहत खां, अखलाक अहमद, फूल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कहां से चालान आते हो, ये कहां कैसे बेचते हैं लोग? ये सारी सोसाइटी और मिल प्रबंधन की मिली भगत है सारी। जो माफियाओं को मुट्ठी भर पर्ची दी जाती है कि माफिया वो तो पचा, वो तो गन्ना डालती नहीं है। हैं गन्ना? हाँ, वो तो गन्ना नहीं डालती। ये सब इनकी साठ गांठ है। नगर भुगतान होता है इनका। जो भी 50% 50,000 क्विंटल गन्ना बाहर से आ रहा है, चालान पर नंबर दो का आ रहा है माफियाओं का, उनका नगद भुगतान होता है। किसान को 3-3 महीने 1-1 साल चबाया जाता है। तो इसी चीज को भारतीय किसान टिकट किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी। और किसानों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे कृषि विभाग में खरीफ आज ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, खरीफ फसल में ओला जाया था। जो भी क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा दरियाव सिंह यादव। कौन सी वाली आप भाई क्यों से हैं? भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, तो ये क्या मामला है आज तहसील में सब लोग इकट्ठे हैं? मामला ये है कि नंबर एक राणा शुगर मिल द्वारा किसानों को तरह तरह से उत्पन्न किया जा रहा है। आए दिन जाम लगते हैं, बाहरी गन्ना आ रहा है, 20,000 क्विंटल की एडवांस दे रहे हैं और 70,000 क्विंटल गन्ना पेला जा रहा है। सारा साल 50 क्विंटल गन्ना माफियाओं का और चालान पर आ रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान दुखी है, ठीक है, रेट की पर्ची दी जाए, सेंटर की पर्ची दी जाए और 14 दिन के अंदर। वैसे ही पशु विभाग में आज आप किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम एक जनता को ज्ञापन दे रहे हैं।